9,000 किलोमीटर्स पूरे मेरे बाइक के। ब्यूटीफुल लोकेशन। इसको वेल्डिंग करना है। सो एक और कांड भाई के बाइक के साथ हो गया फाइनली। ये देखो गुड मॉर्निंग अगेन फ्रॉम सारी विलेज। कल तुंगनाथ का ट्रैक पूरा ख़त्म हो गया। आज हम लोग जाने वाले हैं सारी विलेज से जोशीमठ पे। धमाल होगी, राइड आगे करेंगे। अभी थोड़ा ही जिस प्रॉपर्टी में हम लोग स्टे कर रहे थे उसके बारे में, क्योंकि काफ़ी रेस्टिक है, काफ़ी गुड प्रॉपर्टी एंड काफ़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी इस प्रॉपर्टी से। सो आई एम जस्ट शोइंग यू सम स्पेसिफिक डिटेल्स अबाउट इट। सो द प्रॉपर्टी नेम इज़ कैफे बुरांश। ओके, इट्स इन सारी विलेज। ये आता है आपका देवरी ताल का जो ट्रैक है उसकी रूट पे आता है। ओके, 500 मीटर्स यू हैव टू ट्रैक फ्रॉम द मेन सिटी रोड। ओके, एंड जो सामने आप देख सकते हो ऐसे ओल्ड मड हाउसेस टाइप इसके रूम्स है। एंड स्पेशलिटी ये है कि जैसे पुराने घर अपने पत्थर के बने होते थे जिसकी वजह से अच्छा खासा इंसुलेशन मिलता था, राइट, वैसा पूरा स्टाइल का है। तो लेट मी जस्ट शो दैट टू यू वंस। सुबह सुबह ट्रैकिंग भी। तो यहाँ पे जब आप आते हो आपको कार या बाइक्स आपकी जो कुछ भी है नीचे से पार्क करनी पड़ती है, वहाँ से देन ऊपर आते हो आप। ये समझ एंट्री, रस्टिक स्टाइल गेट एंट्री करें लॉक करने के लिए। एंड एज यू कैन सी प्रॉपर मड हाउस टाइप है। डोर्स भी उसी स्टाइल। जस्ट रूम का मैसेज थोड़ा इग्नोर कर देना, रूम थोड़ी गंदी है हमारी। इस टाइल का है पूरा। तो आप देख सकते हो पूरा मड का वॉल्स, रस्टिक उन्होंने पूरा रखा हुआ है। ऊपर माला सामान रखने के लिए। छोटा सा रूम है बट आई मस्ट टेल, इसके पहले हम लोग धनौटी स्टे करके आए। हमने धनौटी में स्टे किया, इसके पहले हरिद्वार में स्टे किया, पर यहाँ की गर्मी कहीं नहीं। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। ये भाई सबसे मस्त बंदा है यहाँ का। एंड दैट्स द कैफे। कैफे में यामी ब्रेकफास्ट एंड डिनर खिलाते हैं यार ये लोग, सीरियसली। मतलब कल रात को भी हम लोग ने राजमा चावल रोटी गोभी की सब्जी खाई। इट वॉज यामी। एंड मेरा बर्थडे था इन लोग ने पेस्ट्री हाउस से बर्थडे अरेंज किया था। सो दिस इज द कैफे, गुड प्लेस टू सिट। गुड मॉर्निंग। दैट्स होमलेट सिटिंग एरिया एंड कैफे से यहाँ का व्यू इज जस्ट अमेजिंग। Let's look at this. Really धमाल है यार, कुछ भी बोलो। Means you can come over here, stay for 2 or 3 great days, have a great time. And madam, Rajni madam, something about the property you can tell. Oh. Yeah. As in how we're not very good at this evidently, but it's been about 4 years. 4 years. Yeah, so okay. We came here first around 2015. Okay. There are a bunch of friends from Kerala who started this. Okay, nice. So 2 of us run this, and then we also have 2 guys who are locals, who are part of the team. Okay. And Rakesh and yeah. So it's a small team, a small place, and. Nobody are managing it really well. Your hospitality is good. Thank you. Very much. Yes. Thanks. Yeah. So guys, much recommended. I must say, especially खाना के मामले में खाना बहुत यम्मी है generally. खाना में बहुत मज़ा आता है। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट भी करेंगे यहाँ से। एंड द अदर प्लेस थिंग इज़ द व्यू एंड 2 नियर बाई ट्रैक्स। सो आओ, अच्छा चिली वाला तर। इनफैक्ट नाइट टाइम में कल स्काई क्लियर था, मस्त स्टार्स दिख रहे थे, तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस है यहाँ का। चलो देन अब नाश्ता करते हैं, देन जोशीमठ की राइड चालू करते हैं। ब्यूटीफुल सारी विलेज, बहुत अमेजिंग स्टे रहा यहाँ पे एंड बहुत अमेजिंग ट्रैक रहा तुंगनाथ का। अब यहाँ से चलेंगे टुवर्ड जोशीमठ, अनदर ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। रास्ते में कहाँ हॉल्ट करेंगे, कैसे रोड्स है, सब मैं दिखाऊंगा ये आपको ऑब्वियसली। सो पूरे वीडियो पे बने रहना। बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत ब्यूटीफुल है उत्तराखंड। तो हो सके उतना मैं कैप्चर करके आपको दिखाने का ट्राई करूँगा पूरे वीडियो पर। सब्सक्राइब ज़रूर करना आगे आने वाले सारे वीडियोज़ के लिए, लाइक ज़रूर करना एंड शेयर ज़रूर करना गाइस। ये था वो पूरा ब्यूटीफुल विलेज, उसके आजू बाजू का पूरा स्टेप फार्मिंग एंड सब कुछ अलग है। यहाँ का ब्यूटी के हिसाब से देखेंगे ना तो बहुत सीनिक है, बहुत अलग टाइप का ये, एंड बहुत पीसफुल प्लेस है। मतलब यू विल बी कम्प्लीटली एट पीस व्हेन यू कम हियर। आराम से अगर 3-4 दिन हम आके रह गए ना यहाँ पे, बहुत रिलैक्सिंग है। रोड थोड़ा ऐसा है, सिंगल लेन रोड है, बट इट्स ओके, मेंटेन्ड है, ऐसा नहीं कि बहुत ख़राब है, ऐसा कुछ मेंटेन्ड रोड है, तो आप इजीली पहुँच सकते हो। यहाँ पे नाइट में भी आप आराम से यहाँ पे बाइक चला सकते हो। सिर्फ नाइट में इस चीज़ का ध्यान देना कि कहीं पे आपको ब्लैक आइज ऐसा कुछ फॉर्मेशन ना मिले, तो वो सब देख के चलाना बस। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ द रोड जो हमने कल लिया था टू गो टू द टुंगनाथ ट्रैक। वहाँ से हम लोग रिटर्न आके यहाँ से हम लोग स्टे कर रहे थे सारी पे। अब इसी रोड से हम लोग को रिटर्न जाना है टुवर्ड जोशीमठ। इट्स एन एक्चुअल वार्निंग ऑन दिस रोड कि यहाँ पे थोड़ा ब्लैक आइस जम जाता है, जितना भी शैडो रीजन आता है ना ये रोड पे। और कल हम लोग ने नोटिस किया था जब हम लोग ट्रैक के लिए राइड कर रहे थे, तभी ये जैसे ये शैडो रीजन में इधर पानी जमा है राइट, ये बर्फ़ बन जाता है सुबह। ये अभी धूप खिली है इसलिए वो थोड़ा सा पिघल जाता है, सो राइडिंग ईजी होता है। And it is always advisable in Uttarakhand to ride when this after the sun rises. उसके पहले राइड मत करना क्योंकि इतना ठंडा रहता है, एंड इसकी वजह से काफ़ी सारे स्ट्रेचेस पे ब्लैक आइस होने के चांसेस होते हैं। सो कल मेरा बर्थडे हुआ एंड आज मेरे बाइक के 10,000 किलोमीटर पूरे होने वाले हैं। 10 को इसका बर्थडे है, 1 साल पूरा हो जाएगा बाइक को, एंड 10,000 किलोमीटर्स पे पूरे कर रहा हूँ एट दिस यूनिक लोकेशन ऑफ उत्तराखंड। अलग टाइम की खुशी बोलते हैं ना इस चीज़ की, भाई पूछो मत, मज़ा आता है। टू कवर डिस्टेंसेस एंड टू अचीव माइलस्टोन्स एट यूनिक लोकेशंस, इसका मज़ा कुछ और है। जस्ट 500 मीटर और वो भी लॉकडाउन के अंदर आई वॉज एबल टू कवर 10,000 किलोमीटर्स ऑन दिस बाइक, तो वो अचीवमेंट का लेवल कुछ और है। ऐसे बर्फीले रोड पे ऐसे सब जगह पे लाके गाड़ी के इतने किलोमीटर्स पूरे होने के अचीवमेंट होना, ये अलग लेवल है। यस, 10,000 किलोमीटर्स पूरे मेरे बाइक के एट दिस ब्यूटीफुल लोकेशन। यस, हो गई एक सही चीज़, हो गई। 10,000 किलोमीटर बाइक ने बहुत सही से निकाले हम लोग ने उसके ऊपर। अब आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं और ऐसे मैनी मोर किलोमीटर्स टू गो। यहाँ पे अभी हल्की हल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी है। एंड पहाड़ पर आप देख ही सकते हो कि इधर पूरी बर्फबारी चालू ही है। सिर्फ इस चक्कर में इसलिए रोड पे ध्यान देना पड़ता है कि रोड पे किधर ब्लैक आइस ना फॉर्म हो। अदर देन दैट लुक एट द ब्यूटी, बहुत सही है। पहाड़ है जो बर्फ से ढके हुए हैं, तो बहुत सही है। पूरा सामने गांव देख रहे हो, पूरा स्टेप स्टेप्ड लोकेशन पे है सर। सारे घर एक के नीचे एक पूरे माउंटेन पे है, और उसी के आगे उनकी सारी खेती है। क्योंकि ठंडी का टाइम है, ड्राई टाइम है थोड़ा, तो इसलिए अभी पूरा थोड़ा बैरन हो चुका है। वरना जैसे इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने दिखाया था जिसके अंदर सारा ग्रीन सरसों की खेती है, ये सब देखने मिलती है। बाकी सारे वेजिटेबल्स वो सब कुछ इसी पे उगाता है। नेचुरल है, नेचुरल वाटर बहुत सही रहता है यहाँ पे, सब कुछ खाना पीना। ये देखो, ये पूरा उस स्टेप फार्मिंग वाला जो हम लोग बोल रहे थे ना, उसका पूरा व्यू, पूरी खेती है उसके ऊपर। देखो यहाँ पे ऐसे माउंटेन स्लोप्स पे गांव बसे हुए हैं, एंड आगे सारी खेती। सो वी टूक अ शॉर्ट हॉल्ट एट चमोली, थोड़ा एक चाय ब्रेक ले लिया अभी थोड़ा, क्योंकि फुल घाट वाले रोड से आने के बाद एक थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए चाहिए होता है, तो वो एक शॉर्ट ब्रेक ले लिया अभी। अब यहाँ से हम चले गोविंद घाट। सो एक्चुअल मैंने पहले बताया कि मेरा डेस्टिनेशन जोशीमठ रहेगा, बट एक्चुअली हम थोड़ा जोशीमठ से थोड़ा और आगे जाके स्टे कर रहे हैं, विच इज नोन एज गोविंद घाट। ओके, वहाँ का स्टे बहुत एक्सक्लूसिव है, 2 दिन का वहाँ पे स्टे है हमारा। एंड एक्सक्लूसिव इसके लिए क्योंकि ये प्रॉपर रिवर बैंक पे वो होटल है। सो इट इज़ गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग थिंग। बस अब वहाँ का रास्ता अभी पकड़ रहे अभी, और दिखा रहा है 2 hours 30 minutes फॉर 70 किलोमीटर्स। अब बाहर में तो आपको सारे घाट वाले रोड ही है, यहाँ पे तो आपको ऐसा सीधा स्ट्रेच मिलेगा ही नहीं। तो बस ये घाट के एंजॉय करते जाते हैं। Look at this beautiful road यार, बहुत अमेजिंग है। बीच में सब बंदर नाच रहे हैं, तो राइड कॉशियसली, अचानक भाग के आ जाता है बीच में। अब हमने उनका पूरा एरिया इंक्रोच करके रखा है, तो वो तो आएंगे ही ना, उनका तो घर है। ये रोड के पैदल पूरा टाइम एक रिवर चल रही है। देखिए फुल ब्लू वाटर्स। सो पहाड़ों में ये एक चीज़ होती है, कई जगह पे स्टोन कटिंग या लैंडस्लाइड ऐसा तो कुछ होते रहता, तो वो सब चीज़ों के लिए ज़रा संभाल के राइड किया करो। कि लैंडस्लाइड स्पेशली मतलब राइड करते हुए अगर रास्ता नैरो है तो उस चीज़ का खास ध्यान दो कि कहीं पे तुम उस जगह पे फंस ना जाओ, वरना आप जानते हो लैंडस्लाइड कैसी होती है अपनी इधर। बहुत सारे रिसेंट एग्जाम्पल्स हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, राइड सेफली, दैट्स द ओनली मोटिव। इसको वेल्ड ही करना पड़ेगा प्रतीक को। सो एक और कांड भाई के बाइक के साथ हो ही गया फाइनली। ये देखो भाई ने गियर लीवर का आगे का कनेक्टर ही तोड़ दिया है यहाँ पे। तो जो हम लोग फटाफट पहुँचने का सोचे थे टूअर्ड जोशीमठ, बैंड बज गई इसकी। अब यहाँ पे जैसे मैकेनिक का शॉप मिला है पीपल कोटी के उधर, बस वो करते एक बार चेक करते हैं पॉसिबल है कि नहीं, वरना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा इसके लिए। चले, भाई की बाइक फिर भी रिपेयर हो गई। राइडिंग ट्रिप्स पे ये सब होते रहता है, तो उन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, एंड थोड़ा एक बफर पीरियड खुद को देना पड़ता है। गाइज एक चीज़ नोटिस की है, यहाँ पे बहुत सारे रास्ते ऐसी कंडीशन में है, मतलब जनरली लैंडस्लाइड होकर डायरेक्ट नीचे। ये आप देख रहे हो प्रॉपर लैंडस्लाइड कंडीशन पे ये सब, और थोड़ा रिस्की अफेयर भी है, तो राइड कॉशियसली यार। किस तरह पहाड़ काट काट के रोड बनाया हुआ है, अरे छोटे मोटे ऐसे क्लिफ एंगल्स हम लोग को दिख रहे हैं बीच रास्ते। ये देखो क्या रोड्स है यार, आई डेंट एक्सपेक्ट कि जोशीमठ के रोड्स इतने सही है। फुल पहाड़ पे काट के सिंगल लेन रोड्स है। अभी तो ये वाइडनिंग चल रहा है, वरना अगर कुछ साल पहले आ गए जब बाकी लोग पहुंचे रहेंगे तब तो बहुत नैरो रोड्स होंगे। ये ऑसम है। बस अभी 30 किलोमीटर्स बाकी है। हम लोग स्टे करने वाले गोविंद घाट के उधर, 30 किलोमीटर बाकी है एंड रोड्स आर गेटिंग क्रेजियर एंड क्रेजियर। पर मज़ा आ रहा है राइड करने के लिए, इस पर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सो गाइस, अभी मुझे कैमरा बंद करना पड़ेगा यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली अभी बारिश स्टार्ट हो गई है। इट फील्स रियली वियर्ड कि वह दिसंबर के सीज़न में यहाँ पे बारिश हो रही है। या तो ये नॉर्मल चीज़ होगी यहाँ पे तो पता नहीं, बट स्टार्ट हो गई तो अभी कैमरा बंद करके अंदर डालता हूँ क्योंकि अभी ट्रिप लंबी और कैमरा बचाना है अपने को, तो बस रुक के वो एक कर देता हूँ। बाकी मैं आपको होटल पहुंच के बाकी के डिटेल्स देता हूँ। फाइनली हम अपने होटल पहुंच गए, गंगा रिसोर्ट एंड होम स्टे इन गोविंद घाट। रास्ता कैसा था अभी फ़िलहाल मैं बता नहीं सकता क्योंकि बारिश हो रही थी तो सारे कैमरास अंदर चले गए थे, जनवरी अंदर चले गए थे। तो ठंडी, एक तो ठंडी का क्लाइमेट, ठंडी का लोकेशन एंड उसके अंदर बारिश, सो इट वॉज टू डैम कोल्ड। अब यहाँ पहुँच गए, यहाँ एक बहुत यम्मी डिनर हुआ। मतलब 5th डे है हमारे ट्रिप का एंड हमारे यहाँ पे फुल बफे मिला डिनर में विथ खीर एज अ स्वीट डिश। सो इट वॉज रियली अमेजिंग। आई नो मैं कुछ भी रूट यहाँ का दिखा नहीं पाया। यहाँ से हम जब ओली जाएंगे या व्हेन वी आर गोइंग टू हेड बैक तभी का मैं आपको रूट दिखाऊंगा। जेन्युइनली जोशीमठ रीच होने का जितना भी रोड है एंड जोशीमठ से यहाँ आने का जितना भी रूट है, इट इज़ डैम एक्साइटिंग। अभी रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चालू है तो काफ़ी ऑफ रोड है, बट द माउंटेन्स दैट आर देयर बिसाइड्स यू ऑन द गो डेडली है। हम लोग ने तो रात में क्रॉस किया, विच यू शुड नेवर डू, बट लेट हो गए थे एंड यहाँ पे शाम बहुत अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। मतलब 6, 6:15 को यहाँ पे अंधेरा हो जाता है। वी रीच हियर एट 7:30, अभी 10 o'clock हो गए। हम लोग ने पहले आके रेस्ट किया, थोड़ा खाना पीना खाया एंड बोला कि अभी व्लॉग एंड करते हैं एट अ गुड नोट। तो इस प्रॉपर्टी के बारे में एंड नेक्स्ट हमारे डिसीजन के बारे में नेक्स्ट व्लॉग में आएगा। यहाँ से कल हम जाएंगे टुवर्ड्स हनुमान चट्टी क्योंकि एक्चुअल हमारा प्लान था माना विलेज जाने का, बट माना विलेज इज़ क्लोज राइट नाउ, नीदर द आर्मी इज़ अलाउिंग नॉट टू गो। ओके, तो वहाँ तो नहीं जा पाएंगे, लास्ट स्टॉप होगा हनुमान चट्टी। तो यहाँ से कल मोस्टली हम लोग जाएंगे टुवर्ड्स हनुमान चट्टी एंड कल भी हमारा यहीं पे स्टे है। अगर आसपास कुछ और एक दो चीज़ें एक्सप्लोर कर लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट डे जाएंगे टुवर्ड्स ओली, जो ओली लेक विजिट करने के लिए। सो डू स्टे ट्यून ऑन द चैनल एंड डू सब्सक्राइब, डू शेयर इफ़ यू लाइक द कंटेंट। थैंक्स।